भाई आपके लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको सुन के आप बहुत खुश होने वाले हो, व्यूअर्स भी बहुत खुश होने वाले हैं और आप भी बहुत खुश होने वाले हो। क्या वो खुशखबरी ये है कि आपका चैनल मोनिटाइज हो गया। अब ये है कि आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी जो है सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठा था। पापा ने उठाया, मैं उठा ही नहीं। और अभी मुझे सबसे पहले जाना है दर्जी के पास, क्योंकि अपने सूट सिलाई करवाने पंजाब जाने के लिए। हाँ, क्योंकि पापा की आंखों का इलाज हुआ था अभी कुछ टाइम पहले। हाँ, इस वजह से पापा नहीं सी सकते अभी। पापा को एक आंख से दूर से साफ नज़र आता है और एक आंख से करीब से साफ नज़र आता है। इस वजह से मैं पापा से नहीं सिलवा रहा, मैं अपने सूट बाहर दे दूंगा सिलने के लिए, तो वो सही है। हाँ, और पापा के भी देने बाहर सूट। फिलहाल आप अभी दे आइएगा, पापा अपने खुद दे देंगे। हाँ, मैं तो अपने खुद ही देकर आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने डिजाइन वाले सिलवाने हैं और हाँ। पापा किसी और से सिलवा लेंगे अपने। और भाई आपके लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको सुन के आप बहुत खुश होने वाले हो, व्यूअर्स भी बहुत खुश होने वाले हैं और आप भी बहुत खुश होने वाले हो। क्या वो खुशखबरी ये है कि आपका चैनल मोनिटाइज हो गया। अब ये है कि आपकी भी पेमेंट बनेगी हमारी तरह। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे अप्लाई किए हुए, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि किस दिन मोनेटाइज होगा। आज हो गया, तो शुक्र है अल्लाह का, अच्छी बात है। मैं तो काफ़ी दिन से इंतज़ार में था कि मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, बस ये आपकी बदौलत और व्यूवर्स की बदौलत हुआ है। आपने भी अच्छी तरीके से मेहनत की चैनल पे और व्यूवर्स ने भी साथ दिया आपका। और सब्सक्राइबर तो भाई के काफी टाइम पहले ही पूरे हो चुके थे, जब आप भाई का चैनल बना था उसके 1 या 2 दिन बाद ही पूरे हो गए थे। और वो टाइम भाई का कम से कम 1.5 हफ्ते में जाके पूरा हुआ है। बस आप सबकी बदौलत हुआ है, आप सबने भाई को इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है भाई के चैनल पे, जिसकी वजह से आज भाई भी कामयाब हो चुके हैं। इंशाल्लाह भाई की भी 1 महीने में पेमेंट आना शुरू हो जाएगी, 1 या 1.5 महीने। और भाई फिर मोनेटाइजेशन की खुशी में मिठाई कब खिला रहे हो हमें? नहीं, मैं मिठाई तो अभी नहीं खिला रहा, क्योंकि मेरा 1 हफ्ते से काम भी छूटा हुआ है और मेरी सबसे पहली पेमेंट आएगी ना, फर्स्ट पेमेंट। हाँ, तो जब मैं खिलाऊंगा। चलें, ये भी ठीक है, फर्स्ट पेमेंट की खुशी में फिर खिला देना। अभी तो हाँ, ये है कि आपका खुद काम नहीं है। फिर पक्का खिलाऊंगा मैं। सही है। और अभी फिलहाल आप जाएं कपड़े देने के लिए, टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, कपड़े देने चले जाए। मैं कपड़े लेकर जा रहा हूँ दर्जी के पास, और ये मेरा नाप का सूट है, क्योंकि मैंने तो पेंट शर्ट पहनी हुई है, उसको नाप भी लेना होगा। बस मैं ये लेकर जा रहा हूँ दर्जी के पास। मैं दर्जी अंकल के पास आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाओ। शुक्र है अल्लाह का। उस्ताद, ये 2 सूट लाया हूँ, ये 2 सूट सीने। ये नाप? हाँ, ये नाप का सूट लाया हूँ, क्योंकि मैंने तो पेंट शर्ट पहनी हुई है इसलिए। और ये 2 सूट सीने डिजाइन वाले। डिजाइन वाले बनाना? हाँ, कम से कम 1 हफ्ते के अंदर अंदर सीने। डिजाइन कौन सा, नॉर्मल बनाऊँ या थोड़ा बस वाले? अच्छे अच्छे से बना देना डिजाइन वाले। बेटा वो कॉपी देना, काफी देना, काफी। ये मेरा शागिर। अच्छा, शागिर नाम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? शागिर्द भी माशाल्लाह आपके बहुत बड़े हैं। ये कजन भी है और शागिर्द भी है। अच्छा, ये हम रेडी में। हाँ, हम रेडी। अभी दर्जी अंकल नाप ले रहे हैं। बाजू सही है? हाँ, बाजू यही सही है, इतना ही रखना। और उस्ताद, ये 1 हफ्ते में देने हैं सूट। इंशाल्लाह हो जाएगा। और सिलाई कितनी? सिलाई डिजाइन के हिसाब से बताऊं या नॉर्मल बताऊं? भाई जैसे भी अपने हिसाब से बता देना। मैंने आपको डिजाइन बता दिए कि किस तरह के बनाने। डिजाइन वाला बटन बटन के साथ तेरे को पड़ेगा ये 1400 का। अच्छा, ज्यादा पड़ेगा 900 का। अच्छा, ये वाला पड़ेगा बटन के साथ 1150, ये पड़ेगा 1400। ये वाला, सॉरी, ये 900 1400 का, और ये 1150 का पड़ेगा। 1150, चलो ठीक है। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मुझे लग रही है काफी ज्यादा भूख, क्योंकि
मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ और मैं बाहर गया हुआ था किसी काम से। पापा के साथ गया था मैं, पापा का NIC बनवाने, ID कार्ड। तो वहाँ से अभी अभी आया हूँ मैं, 2 बज चुके हैं। अभी सबसे पहले मैं खाना, दोपहर के खाने में हमारे है चावल, क्योंकि हम रात में खाना पकाते हैं और वही दोपहर में खाते हैं। तो बस मुझे तो भूख लग रही है, मैं फटाफट से ये खाता हूँ। अभी हो रहा है शाम का टाइम और कमरे की हालत देखें इस वक्त नेहा ने क्या कर दिए, क्योंकि ये अपने कपड़े कटवा रही थी पापा के साथ, तो सारे कपड़े बिखेर दिए नेहा ने जाने के लिए। इसको नेहा को हमसे ज़्यादा जल्दी है जाने की, तो 10 दिन पहले इसने अपने 2 सूट काट लिए पापा के साथ। जैसे आप देख के आए हो दर्जी को, अब मैं खुद दर्जी बनी ही हूँ, अभी अपने सूट तक, इसलिए मुझे भी जल्दी है भाई, जल्दी जल्दी हो काम। हाँ, और पापा भी काट रहे साथ में, मैं भी काट रही हूँ और घर का ये हाल बना रही हूँ। सारी मेहनत तो पापा ही करते हैं, ज्यादा मेहनत पापा की होती है। नहीं, पापा को समझा मैं रही हूँ अभी किस तरीके से कटवाना है। चलो सही है। अभी हो रहा है रात का टाइम और अभी खाने का टाइम हो रहा है। आज खाना तो नेहा ने पकाया नहीं है, क्योंकि नेहा और पापा कपड़े काटने में लगे हुए थे, तो उसी में ही टाइम ज़्यादा लग गया था। इस वजह से नेहा ने मुझसे मंगाया बाहर से सालन, तो मैं अभी वही सालन लेने जा रहा हूँ। सालन में लेकर आ चुका हूँ नेहा, ये माँच की दाल लाया हूँ। सही है, चलेंगे भी, क्योंकि मुझे यही सही लगती है, इसलिए ना मैं ये लेकर आ गया। चलें ठीक है, बस रोटियां भी 5 से 7 मिनट में पक जाएंगी, उसके बाद खाते हैं खाना। भूख तो बहुत तेज लग रही है मुझे। हाँ, भूख तो आज मुझे भी लग रही है। चलें, खाना हम सब ने खा लिया है और खाना खाने के बाद मुझे बाहर किसी काम से जाना है, तो वहाँ से मैं काफ़ी लेट घर पर आऊँगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।